ऋषभदेव शर्मा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान में अध्यापक हूँ। आप सबका इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस सत्र को आरंभ करने की अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूँ। मैं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कट्टीमणि जी से निवेदन करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ से श्री डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवे जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ सर से कि ऋषभदेव शर्मा जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छों से। मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर से कि वो मृत्युंजय सिंह का स्वागत करें पुष्पगुच्छों से। फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से कि वो अपना कार्य दें। अध्यक्षता मुंबई से पधारे हुए डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवी साहब कर रहे हैं और इस सत्र में प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी, प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि जी शमशेर की स्मृति पर केंद्रित अपने संस्मरण और वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर नामवर सिंह जी को भी इस सत्र में बोलना था लेकिन वे अगले सत्र में से संबंधित संस्मरणों को साझा करेंगे। शमशेर व्यक्ति और रचनाकार, इस विचार सत्र का, शमशेर की स्मृति विषयक विचार सत्र का पहला पत्र है। शमशेर व्यक्ति और रचनाकार, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुल सचिव प्रोफेसर दिलीप सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं। प्रोफेसर दिलीप सिंह, शमशेर से कम वाकिफ हैं, उनके व्यक्तित्व से या उनकी रचनाओं से, उसका बहुत ही मुख्तसर सा मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन परिचय रखूं। और मुझे ये भी कहीं लग रहा है कि दोपहर बाद का जो सत्र है और कल के जितने सेशंस हैं उनमें ये बात, हम बात जो शमशेर पर लिखते हुए, शमशेर पर बहुत से लोगों ने लिखा, उसका मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। जो मुक्तिबोध ने लिखा, उन्होंने ये कहा कि शमशेर की जिंदगी ठहराव में रवानी की दास्तान है। ये एक वाक्य शमशेर के जीवन, उनकी शायरी और उनका जो गद्य है उस पर पूरी पूरी रोशनी डालता है। उर्दू में शिक्षा हुई शमशेर की, शुरुआती भी और बहुत बाद तक की भी। एमए अंग्रेजी करने वे इलाहाबाद आए लेकिन आधे में ही वो पढ़ाई छूट गई, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि अंग्रेजी के बहाने फ्रेंच और रूसी जो साहित्य अंग्रेजी में उन्हें मिला उसे उन्होंने पढ़ा और इसका असर उनकी शायरी पर, उनके चिंतन पर, उनकी सोच पर दिखाई देता है।
किताबों के भी, पत्रिकाओं के भी और लुगत के भी, कोशों के भी। त्रिलोचन जो उनके बहुत प्रिय थे, उनके साथ उन्होंने कहानी की पत्रिका कहानी का संपादन किया 1939 में। त्रिलोचन पर उनकी तीन कविताएं भी हैं, ऐसा ही प्रण, त्रिलोचन और सारनाथ की एक शाम। तीनों कविताएं अपने आप में किसी समकालीन शायर के अंदर बाहर दोनों देखने का यत्न है, और इतनी सुंदर कविताएं मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर लिखी हो या किसी कवि ने किसी कवि पर लिखी हो। त्रिलोचन से मित्रता में उन्हें बहुत कुछ मिला, कम से कम जलता हुआ दिल मिला, बेबाकी मिली और आत्मसम्मान का एक ऐसा भाव मिला जो बाद में जाकर सेल्फ रियलाइजेशन में भी बदलता है। कहीं कहीं बड़ी सूफियाना बातें भी शमशेर ने कही हैं। निराला उन्हें दूसरे मिले, मैं कहूंगा उन्हें बिगाड़ने वाले। नया साहित्य का जो निराला अंक है 1946 का, बाद में वो किताब की शक्ल में भी आया, उसे आप देखें कि शमशेर ने निराला को कैसे देखा है। शमशेर ने निराला की वो गजल गोई जो है बेला आदि में, उसे ज्यादा तवज्जो दी, और बाकी तो निराला उनके लिए हैं लेकिन वो दूसरे ही निराले ढंग से शमशेर उन्हें देखते हैं। दो कविताएं भी उनकी निराला पर हैं, और दोनों, जैसा मैंने त्रिलोचन के बारे में कहा, वैसे ही खुसूसियत लिए हुए ये कविताएं हैं। शमशेर ने 1932-33 से लिखना शुरू किया, ये कई जगह दर्ज है। दूसरा सप्तक के वे कवि थे जिसके वक्तव्य में उन्होंने कहा है, और ये बड़ा ही मौजू उनका कोटेशन है जिसका एक संकेत हमें, इशारा हमें उद्घाटन सत्र में भी मिला। सारी कलाएं एक दूसरे में समोई हुई हैं, हर कलाकृति दूसरी कलाकृति के भीतर से झांकती है, संगीत और काव्य का स्पष्ट अंतः संबंध है, फरियाद की कोई लय नहीं होती, नाला पाबंदे नए नहीं है। कोई बांसुरी बजा रहा है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, ये देखिए कोई बांसुरी बजा रहा है, बजा नहीं रहा है, अपने दुखते हुए जख्म को सहला रहा है। नाला यानी आह, कराह, रोना, धोना, नए यानी बांसुरी। बांसुरी कभी अंतर की आह कराह को बांध नहीं सकती, क्योंकि नाला बांसुरी बजाने की कला के अधीन नहीं है, इससे आजाद है। इसी आजादी की खोज मेरी कविता है, यह कहना दरकार होगा यहां कि शमशेर की इस खोज को हम उनकी अनेक गजलों, नज्मों, कविताओं में देख पाते हैं। जरूरत है कि उनकी इस खोज को हम खोजें, और जिस इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप की बात हम कर रहे थे, उसे जांचने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, उस पर शोध करने की कोशिश करें। उनके कुछ संग्रह हैं, कुछ कविताएं 1949 में, बात बोलेगी 1981 में, इसके बीच में 6 काव्य संग्रह और हैं। 1988 में, 1988 में उनका अंतिम काव्य संग्रह आया जिसे रंजना अरगड़े ने संपादित किया, उसमें शमशेर जी की बहुत बड़ी और बड़ी ही अच्छी सी भूमिका है, और उसका जो शीर्षक है, जो उन्वान है, वो बहुत ही सार्थक है।
वो है काल तुझसे होड़ है मेरी। ये मैं यहां आपके सामने रख दूं, मैं कल शायद इस शमशेर की भाषा पर बात करूंगा कि शमशेर विचलन के भी कवि हैं। उनके बहुत से शीर्षक हैं, चुका भी हूं नहीं मैं, जो उनकी जहनी जटिलता को भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि शब्दों के प्रयोग में, भाषा के प्रयोग में, जबान को जांचने में वो कितने माहिर कवि थे। शमशेर के स्फुट गद्य का जो संकलन है वो मलेज ने तैयार किया। मलेज उनके बड़े निकट के मित्र थे, वे अनुवादक भी बहुत अच्छे रहे। दो चीज़ें जो उन्हें उर्दू के बहुत नज़दीक ले आती हैं वो सरशार के तीन उर्दू उपन्यासों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया 1948 में। उर्दू साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो प्रोफेसर एजाज़ अहमद का की बड़ी ही मकबूल कृति है, रचना है, उसका उन्होंने 1955 में अनुवाद किया। और ये दोनों ही कृतियाँ ये बताती हैं कि उर्दू साहित्य के साथ दोआब के अलावा उनका जो लगाव था, जो उनकी शिद्दत थी, जो उनकी दीवानगी थी, वो हम उसको बयां नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ी सी बात कवि शमशेर की करूंगा। कवि शमशेर की एक खासियत यह है कि वे फॉर्म और भाषा को बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम कवि कर पाए। शायद हिंदी में अगर आप जाएं तो निराला थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन निराला से कहीं कहीं आगे जाकर उन्होंने न जाने कितने फॉर्म तराशे और भाषा के पता नहीं कितने एक्सप्रेसिव रूपों को, अभिव्यंजनात्मक रूपों को उन्होंने जगह दी। एक पंक्ति मैं आपके सामने इस बात को आपके सामने जाहिर करने के लिए रख रहा हूं। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, ये केवल शमशेर कह सकते थे कि ये खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, ये जो तलाश है, ये तलाश खुशबू को पलकों में बसे हुए इशारों से जोड़ देना। कवि शमशेर भाषा की सभी संभावनाओं को टटोलने वाले इकलौते कवि हैं हिंदी में। इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। निज से संवाद किया, ये उनकी दूसरी खासियत है। अपने से बहुत बात की है शमशेर ने, और अपने से बात करना आसान नहीं होता, आदमी पागल कहा जाने लगता है। जैसे नामवर जी ने मजाज का दिया कि अपने में वो गुनगुना रहे थे, और कितनी उनकी कविताएं हैं, कितनी नज्में हैं, कितनी गजलें हैं जो वो खुद से बात करते हुए बनी है। मैंने आपसे अभी अर्ज किया कहीं कहीं ये सूफियाना बौराहट में भी बदल गया है। ये जो निजी निज से संवाद है, कहीं कहीं बिल्कुल जैसे सूफियों में आपको मिलता है, उस तरह के एक एक बिल्कुल दीवानावार स्थितियां भी आई हैं। बड़ा ही वो जो हिस्सा है शमशेर की कविताओं का, वो बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस अर्थ में डर के मारे नहीं, आपको आप जब पढ़ते हैं तो एक एक पंक्ति आपको रोमांचित कर देती है, हिला देती है। ये दीवानगी सिर्फ शमशेर के पास है, हिंदी के किसी कवि के पास ऐसी दीवानगी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू शायरी ने उनके भीतर ऐसा मानसिक संस्कार भरा। भाषा का जो क्रिएटिव यूज़ है वो शमशेर ने खूब किया है, इसकी बात मैं बाद में करूँगा। बहुत सी तरकीबें उन्होंने अपनाई।
बाद में तो ये उनकी आदत में जैसे शुमार हो गया। मैं तीन चार ऐसी उनकी कुछ पंक्तियां दूंगा कि आप देखेंगे कि वो कैसे इन तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। आज फिर देर से लौटा हूं, बड़ी रात गए, ताक पर ही मेरे हिस्से की धरी है शायद। ये एक एक तरतीब है। दूसरा देखिए, हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहूं। हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहूं। और यूं भी, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। ये तरतीब बदल जाती है, कभी उर्दू की ओर जाती है, हिंदी की ओर जाती है, और ये तो बहुत गजब है। अगला जो मैं आपको दे रहा हूं, गहरे सागर के नीचे, पहली लाइन है गहरे सागर के नीचे, दूसरी पंक्ति है के गहरे सागर, तीसरी पंक्ति है के नीचे का गहरा सागर होकर। मैं फिर से इसको मिला के पढ़ता हूं आपके लिए, गहरे सागर के नीचे के गहरे सागर के नीचे का गहरा सागर होकर। तो जो मैंने कहा तरकीबें, इसीलिए हम बार बार शमशेर को भावनाओं के उद्वेलन का कवि भी कहते हैं। भावनाओं का जैसा उद्वेलन उनके पास है, वो अगर आप खोजने जाएंगे तो जो उनके प्रिय शायर शोरा उर्दू के थे, उन्होंने नाम लिया है गालिब, मीर, फानी और इकबाल, और उनका शुक्रिया भी अदा किया है उन्होंने कि जो कुछ मेरा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों का है। जैसा मैंने अभी कहा, केवल चित्रकला को नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और नाटक को भी उन्होंने अपनी कविताओं में एक एक्सप्रेशन की तरकीब की तरह इस्तेमाल किया है। लौट आओ धार उनकी कविता बहुत सुंदर है, बाद में मुझे लगता है आलोक धनवा ने शायद जो अपना कविता संग्रह दिया उसका उसका शीर्षक ही ये रखा, लौटा ओ धार। लौटा ओ धार में संगीत उनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति का जरिया बन गया। दूसरी कविता है घनीभूत पीड़ा, जिसमें पीड़ा नृत्य करती है, कभी अंदर नृत्य करती है, कभी बाहर नृत्य करती है, लेकिन दर्द देती है। उसके लिए उन्होंने नाच का, रक्स का बिंब इस्तेमाल किया। नीला दरिया बरस रहा, इसमें नाटक है, नाटकीयता, नाटकीयता हिंदी में भी और उर्दू में भी आप जानते हैं कई शायरों में रही, ऐसी कविता इनकी यह है। इसीलिए रघुवीर सहाय ने शमशेर पर जो निबंध लिखा है, जो ऐसे लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि कवि शमशेर को समझने के लिए उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी कविता के अलावा ललित कलाओं की परंपरा को भी समझना होगा। और रघुवीर सहाय ने ही कहा कि ऐसा कोई कवि हिंदी में है इसका कम से कम मुझे पता नहीं। उनकी एक उषा कविता को भाव के उठान की कविता कहा गया है, जिसमें उन्होंने पीली रोशनी जब आकाश में आती है तो उन्होंने उसको लीपा हुआ, हल्दी से लीपा हुआ चौका
जो लोग ये कहते हैं कि लोक से शमशेर दूर हैं, उन्हें कम से कम ऐसी उनकी 10 कविताएं देख लेनी चाहिए। शमशेर पर अशोक वाजपेयी, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मलयज, रघुवीर सहाय, रमेश चंद शाह, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही और श्रीकांत वर्मा ने लिखा है और बहुत खूब लिखा है। सब कुछ हमें उपलब्ध है, प्राप्त है। शमशेर ने भी निराला, मोहन राकेश, बाबा नागार्जुन, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन पर गद्य ही नहीं कविताएं भी लिखी हैं। सुबह संभवतः नामवर जी कह रहे थे कि सौंदर्य या सुंदरता के कवि हैं शमशेर। वास्तव में सुंदरता जो है वो शमशेर की कविता का बड़ा हिस्सा घेरती है। उन्होंने कहा भी है कि सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता रहता है। अब ये हम पर है कि हम अपने सामने और चारों ओर की इस अनंत और अपार लीला को कितना अपने अंदर घुला सकते हैं। लीला शब्द शमशेर को बहुत प्रिय है। और यह लीला जितनी जिंदगी की लीला है उतने ही जिंदगी के बाहर पसरे हुए लीला जगत का भी बखान है, इसलिए भी वो खास है। शांति, मौन और निरीहता, तीन भाव शमशेर में कुछ ज्यादा हैं। वैसे प्रेम भी कम नहीं है, प्रेम का उबाल भी कम नहीं है, आशिकी भी कम नहीं है, पर इन सब के भीतर जो भाव है उसके लिए मैं एक पंक्ति आपके सामने रखकर यहां से विदा लूंगा। मैं शमशेर एक निरीह फतह, आज निरीह कल फतह याब निश्चित। ये पूरी कविता है ये, और ये एक एक पंक्ति में है। मैं शमशेर एक पंक्ति में है, एक निरीह फतह दूसरी पंक्ति में है, आज निरीह तीसरी पंक्ति है, कल चौथी पंक्ति है, फतह या पांचवी पंक्ति है, और निश्चित जिसके बाद तीन आश्चर्य सूचक चिन्ह लगे हैं। ये मैं जब उनके भाषा की बात करूंगा तब आपसे बताऊंगा मैं और कहूंगा कि जो विराम चिन्ह है उसका भी इतना सार्थक उपयोग करने वाला कोई कवि नहीं है। इससे कम में मैं शमशेर पर कुछ कह नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद।